हेलो एवरी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पौदार कॉलेज की ऑनलाइन स्टडी के अंदर। तो बेटा, हम बात करने जा रहे हैं आज क्लास 11th के बारे में। क्लास 11th में SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आपका फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो देखिए बेटा, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो देखो बेटा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, एक होती है बेटा अपनी आवर्त गति। क्या होती है बेटा? आवर्त गति। एक होती है अपनी दोलन गति। एक होती है दोलन गति। एक होती है बेटा आपकी सरल आवर्त गति। ध्यान से देखना बेटा, देखो बेटा, हम बात करना चाह रहे हैं आवर्त गति के बारे में कि आखिरकार ये आवर्त गति होती क्या है। देखिए, आवर्त गति का मतलब क्या है कि जब कोई कण या पिंड या कोई भी वस्तु, ध्यान से अगेन रिपीट करना चाह रहा हूं मैं, जब कोई कण पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए, क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। ठीक है बेटा, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, घड़ी में सुइयों की गति, घड़ी में सुइयों की गति क्या कहलाती है बेटा? आवर्त गति। देखो, 24 घंटे के अंतर्गत अपनी पृथ्वी एक चक्र पूरा करती है, फिर दोबारा, फिर तेबारा। तो मतलब क्या है कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित आवर्त काल के दौरान अपनी एक चक्कर पूरा करती है। उसी प्रकार घड़ी में सुइयों की गति भी फिक्स है कि एक निश्चित आवर्त काल, एक फिक्स समय लगेगा और इस समय के लिए जो आपकी सुइयां हैं वो अपना एक चक्कर पूरा करती हैं। तो ये क्या कहलाती है? आपकी आवर्त गति कहलाती है। अब देखिएगा, जैसे कि हम बात करना चाह रहे हैं बेटा, एक एग्जांपल और है इसमें, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम की गति। आपने देखा होगा बेटा, वो घड़ी देखी होगी, इसका पेंडुलम ऐसे 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 चलता है, ठीक है ना? तो घड़ी के पेंडुलम की गति, ये भी क्या है? आपकी आवर्त गति है। अब देखो बेटा, अब हम बात करना चाह रहे हैं दोलन गति के बारे में कि आखिरकार ये दोलन गति क्या है। तो ध्यान से देखना, जब कोई पिंड, जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, कोई पेंडुलम है, वो मैंने इस आधार से लटका दिया है, मैंने इस पेंडुलम को क्या किया है बेटा, यहां से ऐसे खींचा है। खींचने पर ये पेंडुलम किस पोजीशन पर आ गया? इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है ना? और जैसे इस पेंडुलम को, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा? एम द्रव्यमान का ये पेंडुलम है, यानी एक सरल लोलक है, ठीक है? जैसे इस लोलक को मैं छोड़ता हूं, इस पेंडुलम को छोड़ता हूं, तो यह है अपनी माध्य अवस्था के इधर उधर क्या करता है? दोलन करने लगता है। तो पेंडुलम की ये जो गति है क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी? हमारी डेफिनेशन बनी कि जब कोई कण या पिंड या कोई वस्तु अपनी मीन पोजीशन यानी माध्य अवस्था के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराए, तो उसे क्या कहते हैं? हम दोलन गति कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं बेटा, फॉर एन एग्जाम्पल, झूले की गति, झूले की गति घड़ी के पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति, सरल लोलक की गति, ये भी किस में आता है? अपना दोलन गति में, ठीक है बेटा? हाँ,
अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखो बेटा ये क्या है, माध्यावस्था, क्या है, माध्य अवस्था। ये चीजें ध्यान में देने की है बेटा, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये पेंडुलम की क्या है, मीन पोजीशन है, माध्यावस्था है, ओके बेटा। हाँ, और देखो मैंने पेंडुलम को यहां से खींचा तो मैंने बोला है कि यहां पर जो विस्थापन है वो कितना है, एक्स बराबर जीरो। कि जब पेंडुलम था अपना तो वो तो क्या था, स्ट्रेट पोजीशन में था, तो कोई विस्थापन था ही नहीं, यानी एक्स बराबर जीरो। अब जब मैंने इसको खींचा है तो मैं क्या बोलता हूं बेटा कि यहां से मैंने इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, ए डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर कितना आ गया बेटा, एक्स बराबर ए। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम एक्सट्रीम पोजिशन बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजिशन यानी चरम अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, चरम अवस्था। अब ध्यान दीजिएगा आप कि माध्य अवस्था पर आपका विस्थापन शून्य है और चरम अवस्था पर आपका विस्थापन x बराबर a आया है, ठीक है। अब दोबारा अब देखो, जैसे मैं इस पेंडुलम को क्या करता हूं, छोड़ता हूं, जैसे छोड़ता हूं तो यह माध्य अवस्था के इधर उधर क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है, क्या करने लगता है, दोलन करने लगता है, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस रूप से। ये चरम अवस्था, तो ये कौन सी हुई बेटा, ये भी आपकी चरम अवस्था। अब देखो जैसे मैंने इसे छोड़ा तो इसका जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या हुआ, बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है। और माध्य अवस्था पर क्या होता है, वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, मैक्सिमम, अधिकतम हो जाती है। किसी भी पेंडुलम की माध्य अवस्था पर वेग अधिकतम होता है, जबकि चरम अवस्था पर देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा 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 तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। तो यहां पर वेग क्या हो गया, शून्य है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए। यहां पर विस्थापन अधिकतम लेकिन वेग शून्य होता है, लेकिन माध्य अवस्था पर वेग मैक्सिमम, अधिकतम और विस्थापन शून्य होता है। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि जब कोई कण, अगेन रिपीट करता हूं ध्यान से देखिएगा, जब कोई कण या पिंड या कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए, उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। लेकिन जब कोई कण या पिंड माध्य अवस्था, अपनी माध्य अवस्था के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराए, उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या निकाला आपने, तो देखिएगा बेटा हम बात करना क्या चाह रहे हैं कि सभी दोलन गतियां आवर्त गति तो होती है, लेकिन सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती। अगेन रिपीट करता हूं, सभी दोलन गतियां आवर्त गति तो होती है, लेकिन सभी आवर्त गतियां दोलन गति नहीं होती। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति क्या दोलन गति थोड़ी ना है, दोलन थोड़ी कर रही है हमारी अर्थ, क्या कर रही है बेटा, चक्कर लगा रही है अपने एक निश्चित पाथ पर, निश्चित पथ पर चक्कर लगा रही है। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते कि आवर्त गति और दोलन गति आखिरकार इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो अपने क्वेश्चंस और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा कि जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। ओके बेटा, हाँ अब देखो बेटा, अब हम बात करना चाह रहे हैं, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है अपना SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, SHM की जो गति है, हम बोलना चाह रहे हैं बेटा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अपना एक दृढ़ आधार है,
जिससे मैंने बेटा एक मासलेस स्प्रिंग, द्रव्यमान रहित एक स्प्रिंग लटका दी है, जिसका मास कितना है बेटा, स्मॉल एम है। क्या है मास, क्या है स्मॉल, सॉरी मासलेस स्प्रिंग है हाँ, और मैंने इससे एक एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया है। क्या लटका दिया है बेटा, एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया है। स्प्रिंग का जो बलनीयतांक है के, फोर्स कांस्टेंट के, क्या है बेटा बलनीयतांक। ये बलनीयतांक आखिरकार होता क्या है, ये क्या डिसाइड करता है स्प्रिंग होती क्या है? तो देखो बेटा, फोर्स कांस्टेंट बलनीयतांक की डिसाइड करता है कि आपकी स्प्रिंग सॉफ्ट है, मुलायम है या ठोस है, ठीक है ना। यानी आपका फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो आपकी स्प्रिंग क्या होगी, हार्ड होगी। अगर आपका बलनीयतांक कम है तो आपकी जो स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी।